हैं उधर भाग। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये है कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं? नहीं मनाना चाहिए। जो लोग मनाते हैं उनकी अपनी विशेज हैं, उनको जैसे बेहतर लगता है, लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू है कि नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? राना अली अब्बास। अच्छा अली अब्बास भाई, आज का मेरा सवाल ये है कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं? यार नहीं, बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। अगर हम इस्लामिक लेंस के साथ देखें तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इसका एक कल्चर जैसे सोशल मीडिया ने डेवलप कर दिया कि हर बंदा देख के वीडियोज़ और ये मतलब देख के हर बंदा ये इस काम के पीछे लगा हुआ है, और यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पर ये ऐसा हो रहा है। तो इसके मतलब दीनी नॉलेज ना होने की वजह से इस्लामिक स्टडीज़ को हमारे पढ़ाया नहीं जाता। इस्लामिक स्टडीज़ नहीं, एक सब्जेक्ट रखा जाता है लेकिन वो भी कोर में रखा जाता है, उसके बारे में प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। उसके दो तीन सब्जेक्ट होने चाहिए, एडिशन्स होने चाहिए, अब लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हम दीन से दूर होने की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अमील। अच्छा भाईजान, आज का मेरा सवाल ये है कि क्या वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना? अगर देखा जाए तो जिस माशरे में मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं तो यहाँ पर उस दिन की वजह से बहुत ज़्यादा बेहयाई बढ़ जाती है, तो रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझ जैसे सिंगल बंदे के लिए वैलेंटाइन डे दिलों पर तीर है, तो नहीं मनाना चाहिए। नहीं मनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम?